गुड इवनिंग एवरीबडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम वैलेंटाइंस डे के लिए वो मैसेजेस लेंगे जो आपके पार्टनर आपको वैलेंटाइंस डे पर कहना चाह रहे हैं, और ये मैसेजेस सिर्फ उनके लिए होंगे जिनका ज़ोडियक साइन स्कॉर्पियो है। ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, और सबसे रेजोनेट सिर्फ तब करेगी अगर आपका ज़ोडियक साइन स्कॉर्पियो है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि इस वैलेंटाइंस डे पर आपके पार्टनर यानी स्कॉर्पियंस के पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड वॉइस, वीकेंड पे हमारे यहाँ बच्चे पागलों की तरह खेल रहे होते, पागल तो नहीं होते बच्चे, बच्चे बहुत प्यारे होते। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस ऑन वैलेंटाइंस डे, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। ओप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, अरे अरे, टू ऑफ सोर्ड्स, स्कॉर्पियंस क्या हो गया भाई? मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस ऑन वैलेंटाइंस डे, कार्ड आना चाह रहा है हर्मिट, इतना सन्नाटा क्या हो गया स्कॉर्पियंस? आई एम सो सॉरी फॉर ऑल दीज बैकग्राउंड वॉइसिस, अजीबो गरीब। ये तो दो कार्ड्स आ गए, चले दो कार्ड्स ले लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और टावर, अरे बापरे। वैसे टावर से डरा ना कीजिए, टावर कार्ड जो होता है वो अच्छा भी होता है एट टाइम्स। अच्छा जनाब, वैलेंटाइंस डे पर स्कॉर्पियंस के लिए उनके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कोई रिसेंटली फाइट हुई है, या आप लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है, या आप लोग इस वक्त बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे। आपके पार्टनर वैलेंटाइंस डे पर आपको जो मैसेज देना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं या एनर्जी भेजना चाह रहे हैं, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि ये स्कॉर्पियंस की खुद की अपनी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एन्जाइटी में और बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हुए हुए हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सी सोचें हैं, जबकि आपको वो सोचें क्या हैं इनका पता है। विद दिस आउल हियर, कैन यू सी? आपके पार्टनर वैलेंटाइंस डे पर तो बात की बात है, लेकिन क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत कंफ्यूज हैं। उनको शायद ये पता है कि आप उनके लिए क्या मैटर करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है इस वक्त स्कॉर्पियंस के जो पार्टनर हैं या वो स्कॉर्पियंस जिस कनेक्शन में हैं, कोई दूसरा पर्सन भी आपके कनेक्शन में है। बातचीत आप लोगों में नहीं हो रही, या तो आप बिल्कुल हर्मिट मोड यानी साइलेंट मोड में हैं इस वक्त, बिल्कुल खामोश हैं, या आपके पार्टनर, और ये कन्फर्मेशन हमें टावर मोमेंट या टावर कार्ड दे रहा है। कोई लड़ाई हुई है जिसकी वजह से आप दोनों खामोश हो गए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, और ये टाइम आप दोनों को रिफ्लेक्ट करने का टाइम दे रहा है। हो सकता है कि ये काफ़ी दिनों से हुआ हुआ हो और इस वैलेंटाइन डे पर आप लोगों की सुलह हो जाए, ये हम आगे देखेंगे कि अगर रिकन्सिलिएशन का कोई कार्ड आता है तो। अदरवाइज़ इस वक्त आप दोनों रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेकर क्वाइट और साइलेंट हुए हुए हैं। तो इस वैलेंटाइन डे पर भी मुझे कोई एक्शन अब तक तो नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप दोनों मुझे बहुत ज़्यादा एन्जाइटी में लग रहे हैं, मेरे स्कॉर्पियंस व्यूअर्स भी और उनके पार्टनर भी, दोनों ही आप लोग क्रॉस रोड पे फील कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग आप लोगों के लिए मुश्किल हो रही है इस कनेक्शन को लेकर, इसलिए क्वाइट हैं। फाइट ज़रूर हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ है जिससे बातचीत बंद हो गई है या ख़त्म हो गई है, और ऐसा अगर नहीं है तो कोई ऐसी फेक फाउंडेशन ज़रूर हुई है जिसने आपके पार्टनर को हिला कर रख दिया है। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है इस वक्त स्कॉर्पियंस की लाइफ में, जिसकी वजह से या तो उनकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट आया है, बिल्कुल आप लोग शेक हो चुके हैं, या आपके पार्टनर। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट बहुत हैं,
आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं लेकिन एक्शन लेते हुए कुछ नज़र नहीं आ रहे, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इस वैलेंटाइंस डे पर वो आपको मिस ज़रूर करेंगे लेकिन शायद वो आपको कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि आपकी तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं है और उनकी तरफ से भी कोई कम्युनिकेशन का कार्ड नहीं है। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, 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 मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। कोई कार्ड भी नहीं निकल रहा है अपने आप। स्कॉर्पियंस बड़े ही आइसोलेटेड लग रहे हैं भाई। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। टावर मोमेंट से जो मैंने कहा था, कोई फेक फाउंडेशन है जो कि ब्रेक हुई है और उसके बाद एक नई बिगनिंग होती है। देर इज़ अ कन्फर्मेशन, कोई न्यू, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कुछ ना कुछ इस वैलेंटाइन डे पर ज़रूर नया होगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। एज आई सेड, कोई ना कोई बात ज़रूर हुई है जिसमें आप दोनों ही, यानी स्कॉर्पियन और उनके कनेक्शन में जो उनके पार्टनर हैं, वो ज़रूर शेकअप हुए हैं, जिसकी वजह से एक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है या होने वाला है। इट्स अबाउट टू एंड। लेट्स टेक मोर मैसेजेस। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर दिस वैलेंटाइन, मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो फॉर दिस वैलेंटाइन। ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है मुझे यहाँ पर, या आपके एक्स भी हो सकते हैं, रीज़न आप बेटर जानते होंगे। ओके, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकता है आप लोगों की लड़ाई कुछ ऐसी बात पर हो गई हो कि आप दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन में बहुत स्ट्रांग महसूस कर रहे हों, और अब ईगो मैटर कर रही होगी कि अगर मैंने बात की तो मेरी बात ख़त्म हो जाएगी या रह जाएगी, अगर उसने बात की तो उसकी बात रह जाएगी। तो शायद आपके पार्टनर आपको यही वाइब और ये एनर्जी भेज रहे हैं, और आपके लिए भी यही एडवाइस आ रही है कि अपने फ्रेंड्स की ज़रूर हेल्प लें। फ्लर्ट, ओके। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। थोड़ा सा लाइट फील करें, जैसे यहाँ पर नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, मुझे बहुत ज़्यादा थॉट्स में आप परेशान नज़र आ रहे हैं, आपके लिए एडवाइस भी यही आ रही है कि थोड़ा सा लाइटर मोड में आएं, ताकि आपके पार्टनर को भी ये एनर्जी मिले और वो आपकी तरफ अप्रोच करें। लेट्स टेक अ लास्ट मैसेज फ्रॉम दिस विस्पर ऑफ लव डेक, और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। आई होप आपको कार्ड्स अपने नजर आ जाएं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस ऑन दिस वैलेंटाइंस डे, क्या एडवाइस आ रही है? ओ, ये कार्ड मेरे साथ ही आ गया। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर। ओ माई गॉड, इतना ज़्यादा रीडिंग जो है वो मिल जाती है। मैंने कहा था कोई फाइट हुई है, और शायद यही आप लोगों के लिए एडवाइस आ रही है कि एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, लिसन एंड टॉक टू ईच अदर, खुद एक दूसरे की बात सुने। अगर आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प कर देते हैं और ये आइस ब्रेक हो जाती है, तो एक दूसरे को टाइम दें, पहले आप उनकी बात सुने और आप फिर अपनी बात कहें, और इससे ये होगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो जाएंगे। नंबर 46, हो सकता है किसी भी घंटे के 46th मिनट पर ही कुछ हो जाए, तो प्लीज़ ये नोट कीजिएगा। ये आप लोगों की वैलेंटाइंस डे की रीडिंग थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।